हेलो, मैं हूं डॉक्टर राकेश, प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट। और आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हर घर में चर्चा में है, वो है कोलेस्ट्रॉल। व्हाई वी ब्लाइंडली फॉलो कोलेस्ट्रॉल। अगर कोलेस्ट्रॉल की हिस्ट्री की मैं बात करूं तो 1949 में एक स्टडी पब्लिश हुई जो की थी डॉक्टर एंसल की ने। वो स्टडी में 7 कंट्रियों का डेटा निकाला और 7ों कंट्रियों में ऐसा पाया गया कि ज़्यादा फैट खाने से हार्ट की बीमारी ज़्यादा होती है। डेटा था 22 कंट्री का और उसमें 8 से 10 ऐसी भी कंट्री थी जहाँ पे फैट का ज़्यादा उपयोग था बट हार्ट की बीमारी कम थी। सो फैट के बारे में अगर बात करें तो हमारे शरीर का जो फर्स्ट सेल है वो है जाइगोट, जो फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल का बना है। सो मेरे हिसाब से कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है और ये हमारा फोकस टोटली शिफ्टेड किया है फार्मा इंडस्ट्री ने, जिन्होंने इन्वॉल्व किया प्रोफेशनल को और उन्होंने विदाउट गिविंग प्रूफ ये प्रूव कर दिया कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करो ताकि हार्ट की बीमारी रुक सके। सो फॉर एग्जांपल, अगर कोई आदमी स्मोक कर रहा है 10-15 सालों से और स्मोकिंग के कारण उनकी हाथों की उंगलियां पीली या काली पड़ जाए, तो साइंस ये कह रहा है कि जो लोगों की उंगली पीली है उसको कैंसर हो रहा है, ना कि स्मोकिंग की वजह से। सो वैसे ही चीज़ हार्ट के मामले में है कि आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो आपको हार्ट की बीमारी है। बट आज तक कोई ऐसी ठोस या सिंगल स्टडी भी नहीं है कि जिन्होंने प्रूव किया कि कोलेस्ट्रॉल को आप कंट्रोल करो सो ब्लॉकेज गिरेगा। सो एक इनफ केस ये हो गया कि मेरी 12 साल की प्रैक्टिस में मैंने एक ऐसा भी पेशेंट देखा, 11 साल का बच्चा, कि जिनके डॉक्टर ने उसका कोलेस्ट्रॉल करवाया और कोलेस्ट्रॉल हाई आने से डॉक्टर ने उसकी मदर को बोला कि उनको आगे जाके हार्ट की बीमारी होगी। कोलेस्ट्रॉल एक रिपेयरिंग एजेंट है जिसका काम है रिपेयर करना, बॉडी के सेल्स की जो अंदर के टिश्यू है उसको रिपेयर करना। कोलेस्ट्रॉल में 2 कंपोनेंट है, एक है HDL कोलेस्ट्रॉल जो बुरे कोलेस्ट्रॉल को निकाल देता है ब्लड में से, और दूसरा कंपोनेंट है LDL जो ब्लॉकेज के अंदर जमता है और वहाँ पे टॉक्सिन्स और कैल्शियम को डिपॉजिट करता है। सो नेवर ब्लाइंडली रिले ऑन कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल अकेला एक ऐसा कंपोनेंट नहीं है कि जो ब्लॉकेज बनाए। और आज ये कोलेस्ट्रॉल का हाई लेवल आपको कंफ्यूज करेगा। और आज की अगर आप लेटेस्ट रिसर्च और स्टडी के बारे में बात करें सो ये स्टडी बताती है कि कोलेस्ट्रॉल इज नॉट बैड, उसकी जगह पे हाई ट्राइग्लिसराइड एंड लो HDL और एलोंग विथ लाइपोप्रोटीन स्मॉल ए, ये काफ़ी डेडलीस्ट सब्सटेंस है हार्ट की बीमारी में। देर आर मैनी मोर वे, अगर आपको जानना है कि मुझे हार्ट की बीमारी होगी या मेरी नली में ब्लॉकेज है, ना कि कोलेस्ट्रॉल का रिपोर्ट। सो इफ यू आर स्टिल बेटर टू अंडरस्टैंड प्लीज शेयर योर रिपोर्ट्स ऑन व्हाट्सएप एंड विल गिव यू फर्दर एडवाइस कि आप कोलेस्ट्रॉल की जगह पे क्या चीज़ को कंट्रोल करो तो आप हार्ट की बीमारी रोक सकते हो। थैंक यू।